खाना आ गया भाई, मसाला भिंडी। कैलोंग के बाद अब यहाँ कैरू में हमें पेट्रोल पंप मिला है। अब ये हमारे मुजफ्फरनगर में झांसी की रानी है और हम इतने थोड़ा नीचे आ गए हैं कि प्राकृतिक भी अब हरी भरी दिखाई देने लगी है। यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। साइड में ही एक छोटी सी नदी है और छोटी सी नदी के पास ना छोटे छोटे कलरफुल पेड़ हैं जिनके ऊपर अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, दो तीन कलर के, और वो पीछे चले गए। अब तो खाली है, पेड़ पेड़ से है और ये नदी है वो जो इतनी प्यारी लग रही है ना, बस वाई वाई वो रे जो कलर वाले फूल से हैं ऊपर प्लांट्स में, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अब लग रहा है कि हाँ यहाँ पे तो इंसान जी सकता है। मैं यहाँ पे ना रोड के दोनों साइड इलेक्ट्रिसिटी पोल भी दिखाई दे रहे हैं कि बिजली आना जाना यानी कि यहाँ पे भी अब बिजली के साधन हैं, बिजली का जुगाड़ है। और यहाँ पे लिख रहा है धीरे चलिए, ज़रूर अच्छे खासे मोड़ होंगे एकदम धमाकेदार। और पहाड़ तो हैं ही पहाड़, यहाँ के पहाड़ तो यहाँ जैसे पहाड़ और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कितना अच्छा ब्रिज है। चलो ये सीधा रास्ता जो है ये तो जा रहा है ले, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी रास्ते से ही अलग से रास्ता कट जाता है पैंगोंग लेक के लिए। ये देखिए, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा कारगिल 273 है, ले 49 है, कारू लोमिया, ये सब रास्ता है। फिलहाल इस तरफ जो रास्ता जा रहा है यहाँ ये वाला, ये जाएगा पैंगोंग लेक, ये जाएगा ले। पूरा इधर ये सब कुछ चीजें देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है कुछ। ड्राइविंग स्कूल है पूरी प्रॉपर, इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड कराया जाता है। बाकी सारी चीजें किस किस तरह क्या क्या सब कुछ बनाया हुआ, मतलब बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे। ट्रेंड करने के लिए बहुत अच्छी जैसे सारी चीज़ें लगाई हुई हैं यहाँ पे, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती होगी इसे। और ये जो है ना ऐसे गोल गोल जहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेह के रास्ते में ये सारे यहाँ के बने हुए टेंपल्स हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं ये यहाँ की मोनेस्ट्री है। अलग अलग इनके अलग अलग नाम भी हैं जो हमें तो पता नहीं, पूछने से ही पता चलता है। और थोड़े थोड़े यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर बाद यहाँ पे छोटे छोटे से गांव आते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से। ये ईगू सेतु था जो अभी हमने पार किया है और यहाँ पे छोटी सी बस्ती, फिर वही पहाड़ी एरिया। अब तक के रोड ट्रिप में सबसे यूनिक चीज़ ये दिखाई दी, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जो बना हुआ है वो ऊपर पहाड़ पर, और यहाँ पे वायरिंग वगैरह लगी हुई है। ये सब कुछ आर्मी का है ना, और उन्हीं का ही बनाया हुआ होगा ये आर्मी बेस का। और इधर ऐसा है मैसेंजर रूम, यहाँ से मैसेज भेजते हूँ। बाकी रास्ता तो रास्ता ही है जो अल्टीमेट है। प्रतिक्रिया ये रही कि जाम रुके थे पहले, वहाँ पे खाना तैयार नहीं था, तो अभी हमें यहाँ पे दिखाया है कारू में। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं कारू, तो यहाँ पे हमें दिखाया पंजाबी ढाबा भी है, ये भी है, तो सब चीजें हैं यहाँ पे। फिलहाल हम जाके ना थोड़ा पंजाबी खाना ही देख लेते हैं, क्योंकि बाकी वैसे मार्केट तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। एटीएम भी पीछे है, यहाँ पैंगोंग रेस्टोरेंट है, सब कुछ है यहाँ पे भी, सब कुछ है। तो बस देखते हैं क्या खाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं।
छोटा सा बच्चा है, मुझे लगा फुहारा चला रहा है। पहले नीचे फ्लोर पे मार रहा था, अब अपने मुंह में पहले हाथ पे डाल के टेस्ट करके देखा, अब मुंह में डाल रहा है। ये होते हैं बच्चे, बच्चे कुछ भी किसी भी चीज़ से कुछ भी कर सकते हैं। अब अपने पैरों पे डाल रहा है। ओए येलो 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 जी, क्या कमाल है। हमें इसे डिस्ट्रैक्ट, ओए ओए बाहर जाऊँ मैं। क्या कर रहे थे हैं, क्या कर रहे थे आप, इसको पी क्यों रहे थे? साफ है पानी, ये पानी साफ है, साफ है पानी। मजा आ रहा था। कर नहीं, कर ले कर ले। खाना आ गया भाई, मसाला भिंडी, रायता, कौन सी फ्राई भिंडी, फ्राई भिंडी बोला मैडम ने, फ्राई भिंडी, रायता, रोटी। ऐसा तो कुछ नहीं, तीन चार दिन हो गए खाना खाए हुए, अब तो अच्छा बनता है। जल्दी से खाना खा ले। कैलोंग के बाद अब यहाँ कैरू में हमें पेट्रोल पंप मिला है, अब यहाँ पे पेट्रोल भरवाया जाएगा और उसके बाद चलेंगे। देखो कहाँ से और कहाँ पर, ये देखो इतनी दूर आने के बाद तब पेट्रोल पंप है। ले लद्दाख में मुझे तो लगता नहीं इससे अच्छा रास्ता आपको कहीं मिलेगा, दोनों साइड ग्रीनरी। मैंने लेह लद्दाख में पहली बार इतनी सारी, मैंने दोनों मतलब रोड के दोनों साइड, इधर भी पेड़ पौधे, इधर भी पेड़ पौधे और बीच में रास्ता, आए हाय कितना साफ सुंदर है ना मज़ेदार, बहुत ही प्यारा बहुत ही, क्या बोलूँ। इतना तो आपको फ़ोन की वीडियो भी दिखाई दे, लेकिन जो मेरी आइज़ देख रही है ना वो तो फ़ोन कभी दिखाई नहीं सकता है। अलग ही तरह के, ये देखो किस टाइप के, मतलब अलग ही टाइप के हैं ये, रेस्टोरेंट टाइप है बहुत, मतलब हर चीज़ दरवाजे वगैरह सब। और अब लेह थोड़ा सा ही दूर रह गया है, और यहाँ की जो रोड में डिवाइडर बोलते हैं ना हमारे उधर, तो यहाँ पे भी जो डिवाइडर की तरह बनी हुई, यहाँ पे उसी चीज़ की लेह में जो नक्काशी होती है ना थोड़ा कुछ अलग सी उसकी, वो बनी हुई है, सब में पेंटिंग वेंटिंग से कर रखा है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है जो हमारी लैंग्वेज में नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। और रास्ता बहुत अच्छा है, वो लिखा हुआ गया ले, जैसे कि यहाँ पे डिवाइडर वगैरह रोड और यहाँ की जो है साफ सफाई के हिसाब से लग सकता है कि यहाँ पे ले स्टार्ट हो गया है, ले सिटी शायद हो गई है स्टार्ट। हाँ ये आउटर है क्योंकि लेह सिटी जित तो भी जितनी अंदर, हाँ अंदर से काउंट होता है मेटल से, हाँ यही तो ये आउटर है क्योंकि पहले जब देखा था पांच था, अब हाँ। उससे ज्यादा हम कितना ज्यादा चल चुके, तो आ ही गया ये लेह है, हाँ ये लेह है ये, जैसे ऊपर से दिखाई दे रहा है तो वो डेवलप भी है पीछे, हाँ वही है ना कि बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, रोड भी बहुत अच्छी है। ये चौक सा बना है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। झांसी की रानी है ये भी कोई चौक है, लेकिन इसका नाम पंजाबी में महाराणा सिंगे नाम, महाराणा सिंगे, महाराजा सिंगे नाम गया। पर हैं और यहाँ पे कुछ बोर्ड, यहाँ पे शायद यहाँ से बसें वसें मिलती हैं आने जाने की। इधर वो था बस स्टैंड, दूसरी जगह जो अभी मैंने दिखाया, और ये हिल स्टेशन पे ऊपर जो घर वर बने हुए हैं बहुत अच्छा है, और नीचे कितने अच्छे अच्छे रोड बनाए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह सब कुछ है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन साइड में पहाड़।
और फाइनली लेह सिटी हम पहुंच गए हैं आज 1 बजे। और 2 दिन का प्लान है कि लेह सिटी में रुकने वाले हैं, यहाँ की लोकल मार्केट और जो आसपास के फेमस जगह हैं वहाँ घूमेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे आगे अपने घर की तरफ। और इससे रिलेटेड सारी वीडियो अभी कंटिन्यू आगे आने वाली है, चैनल पे बने रहिए। और आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।